लंकाधिपति ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, कश्मीर पर कविता पाठ किया करते थे, लेकिन आज जब उसी कश्मीर में निहत्थे हिंदुओं, बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों, सिखों का कत्लेआम हो रहा है, तो डंकाधिपति की जुबा पर ताले लटके हुए हैं। रोज के रोज कश्मीर में हिंसा हो रही है, रोज के रोज बेकसूर लोग या तो जान गंवा रहे हैं या कश्मीर छोड़कर भाग रहे हैं। हे डंकाधिपति, किस खोह में छिपे हैं आप? प्रकट हो जाइए प्रभु। देखिए, दुनिया ताड़ रही है कि डंकाधिपति के भीतर का कवि देश नहीं झुकने दूंगा टाइप कविता फिर लिखेगा। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता? साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। जब धरती का स्वर्ग नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे, ये मैंने देखा है और मेरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। जम्मू कश्मीर के इन साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। अच्छा, ये आप ही थे क्या जो अनंत ऊर्जा से ललकार रहे थे? पर अब क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए प्रभु, देखिए कहां कश्मीर में लोगों को प्लॉट और विला के सपने दिखा रही थी आपकी पार्टी, और कहां आज जिनके प्लॉट और विला हैं, वो भी कश्मीर छोड़कर कोई सुरक्षित ठिकाना चाहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में पीएम मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया, उनके मुखारविंद से एक शब्द नहीं निकला, जब देश वाकई उन्हें सुनना चाहता है। पिछले कुछ दिन में घाटी में जिस तरह से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को चोट पहुंचाई जा रही है, हिंदुस्तान के ताज से खून बहाया जा रहा है, तब पीएम मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे। इस समय में कश्मीर में जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है, ऐसे में पीएम मोदी के समान हक की बात हवा हवाई साबित हो रही है। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इस वक्त 56 इंच का सीना रखने वाले पीएम मोदी की परम खामोशी देश को रास नहीं आ रही। देश पीएम मोदी के मुखारविंद से शौर्य रस की कविताओं की पंक्तियों को सुनना चाहता है। आखिर अब कब बोलेंगे मोदी जी? बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे? आज पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ तो कश्मीर के हालात और टारगेट किलिंग को लेकर चर्चा की है, लेकिन देश को इंतजार है कि पीएम मोदी कब अपने देशवासियों से बात करेंगे, कब देशवासियों को आश्वासन देंगे कि घाटी में जो हालात बन गए हैं वो जल्द सुधरेंगे। पिछले करीब 16 दिन में अब तक 11 आम लोगों की हत्या हो चुकी है और चारों तरफ दहशत का माहौल है। लोग बड़ी तादाद में धरती के जन्नत से पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोग जो दिन भर काम करके कमाते हैं, रेहड़ी वाले, गोलगप्पे वाले, ऐसे लोगों को घाटी में आतंकी मौत के घाट उतार रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। घाटी में पीएम मोदी के दावों से अलग माहौल पैदा किया जा रहा है, और अफसोस, आतंकवाद को लेकर देश दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी आज चुप हैं। आखिर कब मोदी जी कश्मीर में हो रही ज्यादतियों पर अपनी जुबान खोलेंगे? आखिर कब आतंकियों के खात्मे की बात करेंगे? घाटी में आतंकियों से लड़ते हुए हमारे देश के जवान अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और पीएम मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। क्या इसी दिन के लिए एक परिवार अपने घर के बेटे को सीमा पर लड़ाई के लिए भेजता है? सुना है 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह उनकी इस बार की यात्रा वार्षिक यात्रा साबित न होकर कोई अंजाम जरूर निकालेगी।